दिल्ली चुनाव के संदर्भ में मैं आपके बीच बात करना आया हूं। 5 साल पहले हम लोग वादे लेकर जनता के बीच गए थे और अब जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। सीएम साहब भी अपना पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड 5 साल का लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम सब लोग कार्यकर्ताओं के साथ गए हैं जनता के बीच में और हर जगह यही कह रहे हैं कि काम के आधार पर चुनाव होगा और ये चुनाव हो भी काम के आधार पर गया। चारों तरफ जनता के बीच में चर्चा है कि साहब काम तो किया है। आप सब जानते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार की सबसे टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन पे काम की रही है। आज मैं आपके बीच में एजुकेशन के कुछ मुद्दों को रखने आया हूँ जिनको पिछले 5 साल में काम किया है और इस चुनौती के साथ रखने आया हूँ कि जब काम की बात हो तो फिर तुलना होनी चाहिए। दिल्ली के सामने काम के एजुकेशन पर काम के 2 मॉडल हैं। एक आम आदमी पार्टी की 5 साल का मॉडल है और बीजेपी का मॉडल है जिसमें नगर निगम है, बाकी राज्य हैं, वहां का एजुकेशन का मॉडल है। हम जनता के बीच में यही जा रहे हैं कि अगर आपने देखा है हमारा काम, आपको लगता है काम किया है तो हमें वोट करिए। आप दूसरों को भी देखिए कि उनका एजुकेशन पे मॉडल क्या है। आपको उनका एजुकेशन का मॉडल अच्छा लगता है तो उनको वोट करिए, लेकिन आप देख लीजिए। और बहुत खुली चुनौती देके मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं कि आपका मॉडल क्या है। मैं अपना केजरीवाल सरकार का 5 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट एनरोलमेंट का मॉडल आपके सामने रख रहा हूं, उसका डेटा आपके सामने रख रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि बीजेपी अपना बताए कि नगर निगम में उन्होंने कुछ किया हो, आसपास के राज्यों में उन्होंने कुछ किया हो, उसके बारे में वो बताए। खुली चुनौती है तो आइए हम बात करते हैं हमारे काम के बनाम उनके काम के बारे में। दिल्ली में 5 साल पहले जब हम स्कूलों में गए तो एजुकेशन को लेकर बहुत सारे आइडियाज थे और बहुत सारे सपने थे, लेकिन सबसे बुरा हाल हमने देखा कि कमरों की संख्या इतनी कम थी, स्कूलों की संख्या इतनी कम थी कि जो एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज क्लासरूम में 125-150 बच्चे एनरोल थे। ऐसे भी स्कूल मैंने देखे जहां एक क्लासरूम में 174 बच्चे एनरोल थे। अब 174 बच्चे अगर खड़े हो जाएं किसी क्लासरूम में तो कहीं मतलब बैठना तो दूर, पढ़ाना तो दूर, खड़े भी नहीं हो सकते। तो इस पर हमने काम करना शुरू किया और हमने 20,000 क्लासरूम बनवाए जिसमें से 8,000 क्लासरूम तो तैयार हो चुके हैं, बाकी तैयार हो के नए स्कूलों को मिल रहे हैं। 12,000 पे काम चल रहा है, इनमें से काफी कुछ तैयार होके मिल चुके हैं स्कूलों को। तो 20,000 क्लासरूम नए खड़े किए 5 साल के अंदर अंदर। एक एवरेज स्कूल में 40-35, किसी में बड़ा बहुत बड़ा स्कूल हो 50 कमरे होते हैं तो एवरेज 35-40 होते हैं। इसी को आप देखें तो ये 500 स्कूलों से ज्यादा के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में स्कूल एजुकेशन में चल चुका है। इसमें एग्जिस्टिंग स्कूलों के क्लासरूम जहां जहां खाली पड़े थे वहां भी बनाए गए, जहां नई जगह हमारे पास में अवेलेबल थी वहां भी स्कूल बनाए गए। और इन स्कूलों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो पहले से क्लासरूम्स थे उनकी बहुत बुरी हालत थी। इन क्लासरूम्स के साथ साथ हम क्लासरूम्स में जाते थे तो देखते थे कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, डेस्क नहीं है बैठने को, पंखे टूटे पड़े हैं, खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, लिखने के लिए टीचर के लिए बोर्ड नहीं है, वो हालत थी सारे लगभग सारे क्लासरूम्स की जो पुराने भी थे। उन सारे क्लासरूम्स को ठीक कराया और 20,000 नए क्लासरूम ऐड किए और इसमें विच इंक्लूड्स 25 नए स्कूल खुलवाए, नई स्कूल बिल्डिंग 25 नई स्कूल बिल्डिंग खुलवाई, 30 नए कंस्ट्रक्शन में है, 30 नई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनमें से 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलवाए और मेरा बहुत अधिकार के साथ मैं दावा कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल अगर आपको समझना है तो आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जरूर देखनी चाहिए। लोग कहते थे एक भी क्वालिटी का ऐसा स्कूल खुलवा सकते हो जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो। आज दिल्ली में सैकड़ों स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए हैं और 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तो ऐसे हैं जिनको देख के कोई यकीन करने को तैयार नहीं होता है। आप में से भी बहुत मीडिया के साथी वहां स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में साथ गए हैं। 5 नए राष्ट्रीय प्रतिभा विद्यालय भी खुलवाए, राजकीय प्रतिभा विद्यालय भी खुलवाए।
इनके अलावा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, अगर पुराने और नई बिल्डिंग्स और इन सब के साथ साथ जो 20,000 क्लासरूम्स बनाए, नए स्कूल बिल्डिंग्स बनी, हर एक क्लासरूम में ग्रीन बोर्ड लगवाया सबसे पहले, क्योंकि मैं गया तो देखा पुराने पुराने ब्लैक बोर्ड पड़े हुए थे जिनपे टीचर चौक से लिखे, तो टीचर को दिखाई नहीं देता था, सड़ चुके थे, टूटे फूटे थे। सारे क्लासरूम्स में ग्रीन बोर्ड सुनिश्चित कराया कि एक अच्छी क्वालिटी का, एक डिग्निफाइड क्वालिटी का ग्रीन बोर्ड सारे बच्चों को बैठने को दिखे। पहले डेस्क, वो फट्टे वाली डेस्क थी जो टूटी फूटी पड़ी रहती थी, उसमें से कीले निकली रहती थी और बच्चे किसी तरह से उन पर बैठते थे या पुरानी सड़ी हुई दरियों पर बैठते थे। 7.5 लाख नई मॉड्यूलर डेस्क खरीदी गई। आजकल आप देखते होंगे बीच बीच में से स्कूल के फोटोग्राफ्स आते हैं, बड़ी अच्छी इस कलर की या ब्लू कलर की या येलो कलर की डेस्क दिखती है, वो मॉड्यूलर डेस्क 7.5 लाख डेस्क खरीदी गई। ये आम आदमी पार्टी की सरकार का, केजरीवाल सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है। इसका एक ही आधार है, इसका एक ही आउटकम है कि आज गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति लोगों की रेस्पेक्ट बढ़ी है, गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मेरे टीचर्स साथी मुझसे आके कहते हैं कि सर पहली बार ऐसा हुआ पिछले 4-5 साल में कि सर्दी के मौसम में खिड़कियां साबुत निकली हैं, नहीं तो हमेशा खिड़कियां टूटी पड़ी रहती थी, ठंडी हवा कमरे में आती थी, बच्चे अब हम ठिठुरते रहते थे बैठ के, बारिश के मौसम में बारिश, गर्मी के मौसम में गर्म हवा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंखे गर्मी के मौसम में बच्चों के स्कूल में लगे हैं, नहीं तो हमेशा टूटे हुए तार और यही देखने को मिलते थे। अब मैं आपके सामने विपक्ष का भी मॉडल रखता हूं एजुकेशन का, और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये चुनाव हमारा काम बनाम आपके काम के उसमें है। हम अपना काम बता रहे हैं, आप अपना काम बताओ। हम अपना बता रहे हैं कि हमने एजुकेशन पे ये किया, आपने कहीं देश में एजुकेशन पे कोई काम किया हो तो बताओ, आप आके बताओ। हरियाणा में 208 गवर्नमेंट स्कूल 2015 से 2018 के बीच बंद कर दिए गए, 208। इसी दौरान 2015 से 2018 के बीच राजस्थान में 4000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, वहां भी बीजेपी की, वहां भी उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार के दौरान का मैंने बताया 208 स्कूल बंद किए गए, राजस्थान में 4000 स्कूल बंद किए गए 2015 से 18 के बीच। पंजाब में पिछले 3 साल में 217 गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए, यूपी में एक रिपोर्ट में देख रहा था 1,13,500 प्राइमरी स्कूल ऐसे टोटल हैं जिसमें से 40% में बिजली का कनेक्शन नहीं है, ये इनका मॉडल है। 1,13,500 में से 40% स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां पे बीजेपी की सरकार है इस समय 40%। हाँ, एमसीडी दिल्ली की बात करें तो पिछले 9 साल में, 15 साल से यहां बीजेपी सत्ता में है, पिछले 9 साल में 109 प्राइमरी स्कूल इन लोगों ने बंद किए हैं, 109। दिल्ली जैसे शहर में जहां स्कूलों की बहुत सख्त कमी थी पहले भी और अभी भी है, वहां पे 109 प्राइमरी स्कूलों का बंद करना एक तरह से नेक्स्ट जनरेशन के साथ क्राइम है। ये है, ये 9 साल में ये डेटा बता रहा है। 2011-12 में इनके स्कूलों की संख्या थी 1764, 2019-20 में इनके स्कूलों की संख्या हुई है 1655, 1764 से घटके 1655 हो गई है। पंजाब में 217 3 साल में। अब मैं आपके सामने एनरोलमेंट को लेकर कुछ सवाल वो रख रहा हूं, डेटा रख रहा हूं। एमसीडी के प्रति, क्योंकि इनके स्कूल भी बंद हुए और ओवरऑल एमसीडी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी खराब है कि बच्चा जब गवर्नमेंट के स्कूल में आता है या कहीं और स्कूल में जाता है तो वहां के टीचर्स को, हमारे टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है कि पहले उसे दूसरी क्लास की किताब तो पढ़ना सिखाएं। इसीलिए लोगों का कॉन्फिडेंस लगातार एमसीडी के स्कूल्स पे खत्म हो रहा है। और आज 2015-16 से 2018-19 के बीच में एमसीडी के स्कूल्स में, बीजेपी एमसीडी के स्कूल्स में
बच्चों की संख्या पिछले 4 साल में 1,30,000 कम हुई है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं दिल्ली सरकार के पास में, वो एमसीडी के स्कूलों से फीडर होके आते हैं, वही हमारे फीडर सर्विस है एक तरह से। छठी क्लास में हमारे पास ज्यादातर स्कूलों में बच्चे वहीं से, मतलब सारे बच्चे वहीं से आते हैं हमारे पास में एमसीडी के। 30,000 ये 4 साल का, 2015-16 से 2018-19 तक। तो 4 साल में 1,30,000 बच्चे एमसीडी में कम हुए, इसके बावजूद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 6,000 बढ़ी है। वो 15,09,000 से 15,15,000 हुई है, 6,000। आप सोचिए कि हमारा जो फीडर था उसमें 1,00,000, हमारे पास एमसीडी के स्कूलों से सारे बच्चे आते थे, तो एक तरह से 1,30,000 बच्चे तो वहीं से कम हो गए आने हमारे पास एमसीडी से। उसके बावजूद हमारे आज के समय में हमारे स्कूलों की संख्या 4 साल पहले के मुकाबले 6,000 ज्यादा है। पहले 15,09,000 थी, आज 15,15,000 है टोटल बच्चों की संख्या। ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों से निकल के आए हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने प्राइवेट स्कूल, तो मैं मोटे मोटे तौर पे कह सकता हूं कि लगभग लगभग 1,50,000 के करीब बच्चे, 1,36,000 के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में छोड़ के आए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, क्योंकि फैसिलिटीज बेटर हुई, क्योंकि पढ़ाई बेटर हुई। अगर ये जो डेटा है, ये यूडाइस का डेटा है, भारत केंद्र सरकार के डेटा से दे रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की रूलिंग स्टेट्स में देखें तो पिछले 4 साल में यूपी में सरकारी स्कूलों में 14,00,000 बच्चे कम हुए हैं, हरियाणा में, और ये यूडाइस पे जो उनकी भारत केंद्र सरकार का डेटा है उसमें प्राइमरी स्कूलों का डेटा है, 8वीं तक का, एलिमेंट्री एजुकेशन तक का, उससे ऊपर का डेटा उनके पास में उसमें उपलब्ध नहीं है। यूपी में 14,00,000 बच्चे कम हुए एलिमेंट्री एजुकेशन तक 4 साल में, हरियाणा में 4,20,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में एलिमेंट्री एजुकेशन तक कम हुए, पंजाब में 1,03,000 बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन तक कम हुए। आप जानते हैं यूपी में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मैंने आपके पास मॉडल रखा। तो पहली बार हम कह रहे हैं कि काम के नाम पे चुनाव होगा, हम कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे चुनाव होगा, शिक्षा में काम के नाम पे चुनाव होगा, और हम चुनौती देकर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि ये चुनाव शिक्षा के इस मॉडल पे बनाम बीजेपी के मॉडल पे होना है। आपके पास जो मॉडल हो शिक्षा का देश में उठा के ले आइए और दिल्ली के लोगों के सामने रखिए। हम पिछले 5 साल का रख रहे हैं, आपकी एमसीडी में सरकार है, आपके आजू बाजू के राज्यों में सरकार है, आप लेके आइए मॉडल। आपने कहीं शिक्षा पे काम किया हो देश भर में, उसको लेके आइए। हमने दिल्ली में 5 साल में काम किया शिक्षा पे, हम ये लेके आए हैं, इसमें चुनाव हो जाए। आइए तो ना करते।